अर्जुन को काशवी से सवाल करने पर पता चलता है कि काशवी और आदित्य दोनों शादी नहीं करने वाले और अर्जुन मन ही मन में खुश होता दिखता है। रोमिला महिमा के कहने पर भेष बदल कर हॉस्पिटल आती है और जहरीली अगरबत्ती सिस्टर को देती है, जिससे सिमरन ठीक हो सकती है। ये सोचकर सिस्टर वो अगरबत्ती सिमरन के पास जला देती है और उस जहरीली धुएं से सिमरन की जान चली जाती है। पर सिमरन पहले काशवी को ये बता चुकी होती है कि सच क्या है, पर सिमरन से काशवी ये नहीं जान पाती कि किसने उसके साथ ये सब किया है। पर अर्जुन सिमरन की मौत से बहुत ज्यादा चौंक जाता है और सिमरन की मौत की मिस्ट्री सुलझाने की कोशिश करता है। जब अर्जुन ये पता कर लेता है कि जो अगरबत्ती सिमरन के कैबिन में जल रही थी वो जहरीली थी, आदित्य और अर्जुन काशवी की हेल्प कर ये पता कर लेते कि वो अगरबत्ती रोमिला लेकर हॉस्पिटल आई थी। जब काशवी और अर्जुन रोमिला को इंटरोगेट करते कि क्या आप हॉस्पिटल आई थी, महिमा पूरी कोशिश करती कि वो रोमिला की सच्चाई बाहर आने से रोके। काशवी सच जानकर बहुत ज्यादा चौंक जाती है कि आदित्य काशवी को बारिश से घर ले जाकर अर्जुन के प्लान में साथ देने के लिए और उसी प्लान की वजह से सिमरन की जान चली गई उसका जिम्मेदार आदित्य काशवी और अर्जुन को ठहराता है। उस गुस्से से जब काशवी कहती कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि कौन उसे सिमरन की मौत का जिम्मेदार ठहराता है, उसे जो पता चला है उससे तो उससे निकलने दो। जब काशवी कहती कि मरने से पहले सिमरन ने उसे बहुत बड़ा सच बताया और वो सच जानकर आदित्य और दादी भी चौंक जाते हैं। तब आदित्य और दादी काशवी का साथ देने का वादा करते हैं। जब आदित्य और काशवी ये जानने की कोशिश करते हैं कि सिमरन के कैबिन में सिस्टर के अलावा कोई नहीं आया, फिर भी सिमरन की मौत हो गई, तब अर्जुन ये क्लियर करता है कि सिमरन की मौत उस अगरबत्ती की वजह से हुई जिससे बहुत धुआं हो गया था, वो धुआं जहरीला था और उससे ही सिमरन की जान चली गई। आदित्य और काशवी ये जानकर शॉक्ड हो जाते। सोचना और जानना तो ये होगा आपकी, क्या काशवी और अर्जुन जान पाएंगे कि रोमिला ने ये सब महिमा की वजह से किया? क्या काशवी और आदित्य पता लगा पाएंगे कि करुण ही काशवी का बेटा है? क्या अर्जुन जान पाएगा महिमा की ट्रिक्स की महिमा ने कितने सारे झूठ बोले? क्या करुण खोलेगा महिमा की पोल? देखिए सीरियल में सिर्फ स्टार प्लस पर।